हम सब पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे को थोड़ा और समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में हर वो चीज क्रिएट करना चाहते हैं तो है। जवाब देने के लिए आज हम द रिच पे लाए हैं एक ऐसे गेस्ट को हु इज ए सी ए सी एफ पी एल एल बी क्रिएटर विद टू मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन इज यू चैनल इन्वेस्ट आज फॉकल एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर अनंत लड्ढा आज के इस पॉडकास्ट में विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सिर्फ यही नहीं इस पॉडकास्ट में आप कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको अपनी ट्रेडिंग में कभी नहीं करना चाहिए एंड द लिस्ट ऑफ द लर्निंग्स विल बी एंडलेस सो इट्स टाइम टू गेट रेडी टू लर्न द न्यू प्रेजेंटिंग टू यू द रिच पॉडकास्ट फीचरिंग अनंत लड्ढा मेरे को ये बताओ आप सबसे पहला बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं आज आपने बताया आपकी एज ट्वेंटी नाइन ईयर्स की है तो ट्वेंटी नाइन ईयर्स के एज में यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल मतलब भारत में ऐसे लोग होते हैं जो शायद तीस बत्तीस साल तक फिगर आउट कर रहे होते हैं कि उनको जिंदगी में एक्चुअली करना क्या है है ना जैसे पढ़ाई कर रहे हैं चौबीस पच्चीस साल तक पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद भाई पहले कुछ टाइम जॉब कर लो पैसा जोड़ लो फिर बिजनेस करेंगे फिर ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे यू आर वेल स्टैब्लिश्ड ऑन्ट्रप्रर कहाँ से इंस्पिरेशन आई थी आपके अंदर कैसे शुरुआत मतलब फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था या वेन डिड यू थिंक कि आपको कुछ अलग करना है यार ऐसा अलग तो मैं कभी करने गया भी नहीं था आई एल बी वेरी ट्रू ये बहुत गलत होगा मैं झूठ बोलने लग जाऊंगा अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैं हमेशा से अलग करना चाहता था सब हुँ. कुछ बिल्कुल परफेक्ट था जैसे मैंने आज सोचा था वैसे ही मैंने पाँच साल पहले सोचा था नहीं सोचा था मतलब वो एक जर्नी होती है आपको ये होता है कि आपको घर से निकलना होता है देखो आप जीतोगे हारोगे कहां पहुंचोगे कैसे पहुंचोगे वो कहते ना कि मंजिल पे पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है मंजिल के लिए निकलना जरूरी है घर से निकलना बहुत जरूरी है। हाँ अगर आप मंजिल के लिए घर से निकले ही नहीं हो तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे ये फॉर श्योर है सो so, मुझे कभी भी नहीं पता था कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल होगा यूट्यूब पे जनता होगी हमारे सब्सक्राइबर्स की फैमिली होगी जो इतना प्यार करेंगे या फिर मेरे डिफरेंट बिजनेसिस होंगे या मैं अपनी फैमिली बिजनेस जो मेरा इनिशियली चलता था कई बार बात भी दिमाग में आती थी कि यार कैसे क्या मैं कभी अपने पापा से बेटर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ रैंकर वो भी रैंकर थे अपने कॉलेज के समय पर उन्होंने बिजनेस अच्छा किया दादाजी के बिजनेस को आगे लेके गए उनका अच्छा और था अपनी सिटी में सो so, कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार क्या ऐसा और मेरा कभी हो भी पाएगा नहीं पाएगा एंड इट वाज नॉट प्लान आई विल बी वेरी ट्रू ये कुछ प्लान नहीं था वो कहते ना कि जब अल्लाह मेहरबान तब फिर तो सब चलता है सो सही समय पे सही जगह पे होना इज लक पर सही समय पर सही जगह के होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हर समय पे। सो so, मैं बस अपना एफर्ट्स डाल रहा था कुछ ना कुछ कर रहा था सिचुएशन ऐसी बैठी कि शायद मैं सही जगह पे सही समय पे था जिसकी वजह से चीजें क्लिक होती चली गई मतलब कर्म करते चले गए चीजें हाँ, कारस्ते माफू बहुत सिंपल uh, सी लाइन है बट बहुत डीप मीनिंग रखती है और मैं इसे बहुत हार्ड मानता हूं कि आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स करो हारा तो वो जो अभी तक मंजिल के लिए निकला नहीं है अगर तुम निकल चुके हो तो तुम हारे नहीं हो तो अभी तक जीते नहीं होंगे वो एक अलग बात है पर जीत है क्या हार के बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर करेक्ट है हारते को फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार हार रहे हो? Hmm. एक बार हारो दो बार हारो दस बार हारो बीस बार हारो आपको सिर्फ लाइफ में एक बार जीतना है और लोग आपको विनर मान लेंगे सो so यार लवली अमेजिंग स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब करी थी आपने यार मैंने स्टॉक मार्केट की हार्डकोर शुरुआत करी थी 2016 में जब मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो गया था उसके बाद मैंने खुद ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2013 में बिकॉज मैं मुंबई गया था आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन नेम्ड कोटा कोटा राजस्थान से आता हूं छोटा सा गांव है छोटा सा शहर है फिर जब मैं मुंबई गया था तो मुंबई की चका चौंद में मेरे खर्चे बढ़ गए थे बट ऑब्वियस काफी लोग समझ जाएंगे कि किस टाइप के खर्चे बढ़े थे <laughs> तो <laughs> खर्चे बढ़ गए थे तो उस खर्चे को निकालने के लिए मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना और ये सारे काम करना स्टार्ट किया था पहला ऑर्डर मैंने 2008 में पंच किया था बिकॉज ऑफ द फैमिली बिजनेस तो चल रहा था हमारे पास स्टॉक ब्रोकिंग थी हम लोग स्टॉक ब्रोकिंग करते थे अच्छा सो so, मेरे दादाजी के एंसेस्ट्रल में दादाजी ने स्टार्ट किया था देन फादर कैरीड ऑन बीच में पापा ने कुछ स्टोन्स का बिजनेस भी किया था तीन चार साल के लिए बट वापस से स्टॉक मार्केट में आके ही स्टॉक मार्केट का चल रहा था लवली तो पहला ऑर्डर मैंने 2008 में पंच किया था दादाजी के साथ वो भी दादाजी के लिए था फिर जब दाजी के लिए पंच किया छोटा बच्चा आता है टर्मिनल पे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं आजू बाजू उनको लगता है कि चल यार इसके हाथ से पंच करवाते हैं शायद लक्ष्मी आ जाए शायद लक्ष्मी आ जाए और वहाँ उस समय ट्रेंड होता था उस समय जितने भी पुराने लोग इसको देख रहे हैं चांस तो कनेक्ट कर पाएंगे उस समय ये होता था कि अगर किसी को आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है या किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग दिन पे शगुन हुआ है बहुत बड़ा आदमी कमा के गया तो उस दिन

तो बेसिक आइडिया उसी टाइम से आपने पढ़ना लिख मतलब इसके बारे में समझना शुरू करना नहीं 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 समझना कुछ नहीं बस मुझे इतना पता था कि अभी जैसे आप जीरो डिफरेंट आपके सामने सिंपल सा, आप मोबाइल पे ऑर्डर लगा देते हो जाता स्लाइड उस समय ऐसा नहीं होता था आपके पास फोन आते थे क्लाइंट के क्लाइंट के लिए पूरा सा एक ग्रीन कलर का आपने एक स्टॉक मार्केट में कंसेप्ट होता है टेप रीडिंग का अच्छा वो टेप रीडिंग का कंसेप्ट ही पुराने जमाने का है कि वहां पे एक ऐसी ग्रीन ग्रीन लाइन होती थी जो फ्लैश होती थी उस लाइन फ्लैश के ऊपर आपके सारे स्टॉक्स होते थे प्लस करते थे तो फिर आपके सामने ऑर्डर की डिटेल्स आती थी आप ऑर्डर पंच करते थे माइनस करते थे तो आपका सौदा हटता था जिसका सौदा डालना है जिसका सौदा हटाना है उसका आपको क्लाइंट कोड डालना पड़ता था फॉर एग्जाम्पल एट वन टू थ्री फोर ऐसा एक कोड होता था बड़ा अजीब सा वो कोड डालते थे उसके बाद उसका ऑर्डर पंच होता था फिर आपको देर में इतनी देर में मार्केट फ्लक्चुएट नहीं कर जाता तो होता ही था होता ही था बट इतनी लिक्विडिटी थी भी नहीं उस समय जितनी आज है या इतना ईज था भी नहीं ये तो बहुत अच्छा था लिक्विडिटी तो उस समय होता था जब नाइनटीन नाइनटीज की बात जब मैं दादाजी से सुनता हूँ एटीज की बात सुनता सपोज करते हैं आपको रिलायंस बाय करना है अजम, करते हैं हम अभी उसका प्राइस आज दिन 100 के दिन सौ रुपए से लेके एक सौ दस रुपए तक चला है और आपने कहा कि मुझे बाय करना है क्योंकि बाय करना पड़ेगा आपको बॉम्बे के थ्रू आप यहाँ से फोन करोगे सपोज आप कोटा में हो कोटा से जयपुर जाएगा फोन जयपुर से बॉम्बे जाएगा फोन अगर आपको बाय करना है तो जो भी उस दिन का सबसे प्राइस होगा उस प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा अच्छा अगर आपको सेल करना है तो जो भी लोएस्ट प्राइस होगा उस प्राइस पे My सेल होगा बीच का सारा मार्जिन वहां के ब्रोकर का और बीच के ब्रोकर का माई गॉड सो अब तो मतलब इंट्राडे नाम की कोई चीज उस टाइम पे होती नहीं थी मेरे ख्याल होती थी बड़े प्लेयर्स के लिए बहुत बड़े प्लेयर्स के लिए ऑपरेटर्स के लिए बड़े प्लेयर्स के लिए समझा 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 तो जो ये आपने सीखा मतलब 2008 में आपने पहला पंच किया उसके बाद वो चीज मतलब माहौल को समझ के आप देख रहे होंगे आपके एनवायरमेंट के अंदर मेरे को तो, तो, तो जब, वीडियो गेम खेल रहा था हाँ वीडियो गेम ही खेल रहे थे एक तरीके से जब आपने एक्चुअली करना शुरू किया खुद से तो उसमें डिफरेंस कितना था यार बताया ना स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोज बहुत सारे लोग देखते हैं बट वेन इट गोज टू डूइंग इट प्रैक्टिकली खुद से करना तो उसमें फर्क क्या आपने क्या फील किया था फर्क यार मैंने फर्क ये फील किया कि मेरी सात ट्रेड सही हो रही थी सबसे पहले मेरे दिमाग में वो अमाउंट का डर नहीं था कि बड़े ऑर्डर पंच करने का डर नहीं था क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ऑलरेडी पंच कर चुका था पर जब मैंने खुद की ट्रेडिंग स्टार्ट करी सिंपल सा काम हो रहा था कि साठ ट्रेड सही हो रही थी और तीन लॉस हो रहा था जो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट भी खा रहा था और मुझे लॉस में लेके आ रहा था मतलब मैं नहीं कमा रहा था पहले तीन साल मैंने नहीं कमाया था कॉलेज के समय तक और फिर मैंने के इवन पापा को बता दिया था कि यार मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया था जिसमें मुझे लॉस ही हो रहा है मेरे जो इंटर्नशिप का पैसा सीए में फर्म वर्म दे रही है वो सब इधर घुस गया है और uh, कुछ फायदा हो नहीं रहा है करके तो उन्होंने कहा कि यार बेटा पढ़ ले एक बार पढ़ाई हो जाए उसके बाद स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिक तरीके से आना वरना तू तो कमा नहीं पाएगा मतलब रैंडम स्टफ गिव यू रैंडम रिजल्ट आप भी सोचो कि आप रैंडमली काम करते रहोगे और सही काम हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत नेग्लीजेबल है आपको एक फोकस होकर एक कंप्लीट प्रोसेस के साथ काम करना पड़ेगा सो so, मेरे पास वो प्रोसेस नहीं था मेरे पास वो चीज नहीं थी जिससे मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकूं मैं ट्रेड कर रहा था सुनी सुनाई बातों पे आजमशन पे न्यूज के ऊपर न्यूज पे बहुत एक्साइट होता था मुझे लगता था कि मैं मुंबई में हूं तो न्यूज मेरे सामने सबसे पहले आती है हम लोग क्योंकि लोकल में जाते थे लोकल में जाते हुए बात ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट की होती थी मतलब आप फर्स्ट क्लास में बैठो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात मिलेगी कि भाई आज स्टॉक में ये होने वाला है वो होने वाला हमें लगा कि भाई हमारे पास सब न्यूज है

आ, आ, अच्छा लगा था मुझे स्टडी करने के बाद कि यार सब जगह मेरे को क्या हुआ था मैंने कुछ स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ ली थी उस बुक्स ने कहा था कि जो आप निकलो आपको आजू बाजू दिखे चीज वही सबसे बेस्ट स्टॉक होता है एक थ्योरी है मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा ऑथर है क्योंकि कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर लेंगे कि जो आपको आजू बाजू में दिख रहा है उन सारी चीजों के स्टॉक बाय करना स्टार्ट करो यू विल बी रिच तो मेरे ऑफिस के जस्ट सामने येस बैंक की ऑफिस थी उनकी ब्रांच थी तो मेरे को दिखता ही येस बैंक था मुझे लगता था कि यार मुझे दिख रहा है तो सबको दिख रहा है तो लो येस बैंक तो इसलिए लिया था मैंने लवली कौन सा ऐसा दाव कह लो या जैसे स्टॉक के अंदर आप करते हो तो कौन सा ऐसा रिस्क था जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के गया आपके आपकी लाइफ में चाहे प्रॉफिट में गया हो चाहे लॉस में गया हो लॉस अगर गया है तो क्या सीखा प्रॉफिट अगर किया आपने मतलब बढ़िया हुआ है आपकी यार, क्या मैं सीखा बोलता हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए जो मैं नाम लेने वाला हूँ कुछ नाम लेने पड़ेंगे मुझे रेफरेंस के लिए क्योंकि काफी लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरा सबसे मोटा प्रॉफिट मैंने जो कमाया था देखो मैं कहता हूं लाइफ में और स्टॉक मार्केट में आपको तीन बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो आपकी लाइफ बदल सकती है hmm. वो अपॉर्चुनिटी को समझना कि वो अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना यही कला का काम है कि आप समझ पाते हो क्या पहली अपॉर्चुनिटी जो सबसे मेजर मुझे मिली थी वो था कोविड का क्रैश लवली सचमंद मार्च दो हजार यार दैट वॉज दी अपॉर्चुनिटी जिस समय मैं मैंने अपने YouTube चैनल पर उस समय तो मेरे तो कम फॉलोवर्स या फॉलोअर्स की फैमिली थी और सब लोग गाली देकर जाते थे मैंने क्योंकि मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड और फर्स्ट अप्रैल को तीनों वीडियो में ये कहा था कि आप घत बेच के पैसा लगाओगे मार्केट में तो इतना पैसा होगा कि आपके पास दो घर आ जाएंगे और उसमें भी आप पैसा रख नहीं पाओगे oh, मैंने ये कहा बोला बाद में एक्चुअली सर्च हो गया और मैंने ये कहा था कि अभी पैसा लगाओगे एग्जैक्ट वर्ड्स से आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे वीडियोज भी अभी पैसा लगाओगे तो इतना पैसा मिलेगा कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाओगे फ्री में <laughs> और जब मैं ये सब बात बातें कर रहा था ऑब्वियसली कुछ लोग सुन रहे थे होंगे बिल्कुल हाँ तो नेगेटिविटी भी थी पर एट दी सेम टाइम मेरे को कार्ड लेनी थी और मेरे को कार्ड लेनी थी करीब बीस एक लाख के आसपास की और वो फाइनल हो चुकी थी उस समय मेरा कॉन्शियस हुआ कि साला मैं दुनिया को कह रहा हूं कि भाई अभी कोई एक्सपेंडिचर है तो मत करो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दी मार्केट आपकी लाइफ बदल सकती है और मैं खुद अब ये बीस लाख की कार्ड ले रहा हूँ ये मैं करके आ रहा हूँ तो वो बीस लाख को भी मैंने मेरे बाकी सम्स, सम्स के साथ ऑल इन हो चुके थे उसके बाद भी वो बीस लाख रुपये मैंने वापस स्टॉक मार्केट में लगा दिया डेढ़ साल बाद फाइनली मैंने अपनी नई कार ली लोगों को लगा कि यारी बहुत महंगी कार लेके आया बढ़िया ऑडी ऑडी लेके आया और बढ़िया चला रहा है और बढ़िया साठ सत्तर लाख की गाड़ी में घूम रहा है और बहुत कमा लिया कुछ लोगों को लगा कि यार यूट्यूब से बहुत कमा लिया इसकी वजह से ये इतनी अच्छी या इतनी महंगी गाड़ी लेके आ पाया है बट एक्चुअली में मेरे तो बीस लाख ही लगे बीस लाख मार्केट में दिया था मेरे को सारा का सारा फ्लैट मार्केट में था और सीधा सीधा मैंने उस समय हिम्मत नहीं थी स्टॉक्स परचेस करने की आई एल बी वेरी ट्रू मैंने म्यूचुअल फंड्स में लगाए थे दैट्स इट मैं स्टॉक्स में लगाता और स्टॉक्स से लगाते तो पता नहीं क्या ही होता पर म्यूचुअल फंड में भी लगाए हुए मेरे सेफ को चले थे फिर भी इतना मज़ा आया और भाई दी वे मैं उस कार के साथ पाँच साल का सर्विस पैकेज ले चुका हूँ तो मतलब मेरी कार और उसके पांच साल की रनिंग so uh, big... like, हाँ, मतलब तो तक ऑल इन तक हो चुका था उसके बाद मैंने ये दाव खेला था ऑटो में और घूमना पड़ेगा घूम लेंगे चलता है या पुरानी गाड़ी वापस चलानी पड़ेगी और लॉस जो हुआ था मेजर वो मेरे को हुआ था वैव ऑफ ग्लोबल में वैव ऑफ ग्लोबल के अलावा भी एक कहानी बताता हूँ वो तो खतरनाक है एक बार क्या हुआ था मेरे को लगा कि यार यूएस डॉलर में काम करते हैं रैंडमली मैंने काम करने का सोचा कि चल करते काम हाँ। मैंने सोचा दस हज़ार डॉलर मार देते हैं शॉर्ट्स क्या ही फर्क पड़ेगा फ्राइडे का शाम था फोर फोर्टी फाइव एक्जैक्ट समय था मैंने फोर फोर्टी फाइव पर सोचा चल दस हजार डॉलर शॉर्ट मारते और क्योंकि यूट्यूब से कुछ पेमेंट आता भी था मैं अब ये मत बोलना कि भाई दस डॉलर का पेमेंट आता था बट जो भी था कि यूएस डॉलर शॉर्ट्स मारने थे मैंने शॉर्ट मार दिया मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूएस डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट इंटू हजार यूएस डॉलर शॉर्ट मार के बैठा हुआ फोर फोर्टी फाइव पी एम में फिर मेरे घर पे बात होती है किसी से बात हो रहा हूं। मैंने देखा नहीं मैंने कहा हजार दस हजार डॉलर तो मार दी मार दी शॉर्ट वैसे भी यूट्यूब तो देता ही रहता है तो उससे कवर हो जाएगा क्या फर्क पड़ेगा और भाई साहब वो दिन खत्म हो गया और पांच बज के पांच सात मिनट आठ मिनट के आसपास मैंने वापस अपना अकाउंट खोल के देखा कि भाई क्या शॉट मारा है कैसा मारा है तो दिखा कि इतना बड़ा अमाउंट दिख रहा है कितना कुछ साठ सत्तर करोड़ अस्सी करोड़ का शॉट पड़ गया था उस दिन मेरे मेरे सामने एंड आई लाइक ये क्या हुआ <laughs> दो दिन संडे और है सैटरडे में नहीं पाया रात में पूरा संडे में सो नहीं पाया रात में पूरा मंडे को सुबह उठते ही सबसे पहले फर्स्ट एक पे मैंने क्लोज किया अपना सौदा और उसमें मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था और ये यार ये लॉस ही बताता हूँ इतना बड़ा हुआ भी नहीं था जितना मैं सोच रहा था मेरा कुछ साढ़े सात आठ लाख के आसपास का लॉस बैठा था उस समय हाँ, मतलब जिस हिसाब से सोच चली गई होगी हिसाब प्रॉफिट तो सकता था तुम सालो हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो एक टेक मेरे साइड में मूव करता था तो मेरे को प्रॉफिट भी तो इतना था बट पूरी रात नहीं इतने कॉम्बिनेशन लगाता था, था कि देखो पिछले दो साल में यूएस डॉलर कितना चला है यार मैं यूएस डॉलर में कभी काम नहीं किया ना मुझे यूएस डॉलर मार्केट कभी समझ आता करेंसी किया कि यार मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहता था फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम कि चल देखते यार यूएस डॉलर में लोग काम करते कैसे काम होता है दस हजार डॉलर से स्टार्ट करते और दस हजार डॉलर बस ओके फॉर मी मेरे को उसमें टेंशन नीति करने में मैं आराम से झेल सकता था कि आठ दस लाख का मालिक कर दिया शॉर्ट कर दिया क्या फर्क पड़ रहा है

बोले बेटा तो सब कुछ डुबाएगा सब कुछ <laughs> <laughs> कि जो कमाया बनाने में हाँ। तुमने हाँ। <laughs> एक ट्रेड में में सब धो दिया हो जाता है ये इस, इसे हम कहते हैं uh, एंजाइटी जब ऑर्डर पंच होते हैं केयरलेसनेस के साथ उसकी कॉस्ट होती है ये और ये सबके साथ होती है आई एम वेरी श्योर जो जो मार्केट में ऑर्डर पंच करा है कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर उसने गलत ऑर्डर पंच किया है और अच्छा खासा किया है किया है ना मैंने किया मैंने भी किया है अच्छा लाइफ एंड शेयर मार्केट में क्या सिमिलर सिमिलैरिटीज है यार शेयर मार्केट लोगों के बिहेवियर से बनता है और लोगों का बिहेवियर इज लाइफ सो स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू लाइफ बट क्योंकि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है तो स्टॉक मार्केट भी कॉम्प्लिकेटेड होता है आपको बस ये समझना पड़ेगा कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बस आप रिलेट करते चलो आपका काम इमोशनल बैलेंस बोलता है ना कि इमोशनल बैलेंस होना चाहिए आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर emotional... मतलब सस्टेन करने के लिए यार मैं कहूंगा इमोशनल क्वेश्चन होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टॉक मार्केट में दस परसेंट आपकी स्ट्रेटजी टाइम टेस्टेड काम आती है बाकी आपकी साइकोलॉजी काम आती है पर मैं ये बोल दूँ कि आप इमोशन लेस होकर काम कर लो पॉसिबल नहीं आप ह्यूमन बींग हो ना अगर आपको इमोशनल लेस काम करना है तो फिर आपको एल्गोज यूज करना पड़ेगा जहां पे अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई मार्केट को दे दी वो स्ट्रैटेजी आपकी चलती रहेगी आप इमोशन लेस हो गए पर अगर आप अपनी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो वहां पर इमोशंस तो आएंगे ही सही बिकॉज hmm. आप आदमी हो आप मशीन नहीं हो और वही तो आपकी मजेदार कला की बात है कि आप आदमी हो इमोशन hmm. लेस so नहीं हो सकते पर हाँ इमोशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा और इमोशन तीन ही होते हैं मैं कहता हूं और तीनों इमोशन को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं सबसे पहला ग्रीड होता है जिसको लोग नेगेटिव कहता हूं मैं कहता हूं कि ग्रीड सबसे अच्छा इमोशन है ये आपको लाइफ में बड़ा सोचने के लिए क्योंकि देखो छोटा सोचने का रिजल्ट छोटा ही मिलेगा बड़ा नहीं मिल सकता अगर सपोज करते हैं आपने सोच लिया कि आपको यहां से दिल्ली से कोटा जाना है तो जैसे आप कोटा के पास पहुंचोगे आप थकने लग जाओगे यार पांच घंटे में आप थक जाओगे अरे बस आगे कोटा आ गया कोटा आ गया और यहां से आपको लंडन जाना है तो आठ घंटे तक आप कुछ नहीं देखोगे और एंड में आखिरी के एक दो घंटे आपको बोरिंग लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है बहुत बड़ी बात बोल दी बहुत अच्छी बात बोली आपने और यहाँ से यूएस जा रहे हो तो तो आप सोच भी उसी घंटे तक आप चिल एकदम माहौल में hmm. कि आप अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हो अपने आप चिल कर रहे हो, कर रहे रहे हो हो रिलैक्स कुछ खा पी रहे हो फ्लाइट में इधर उधर घूम रहे हो पर एंड के आखिरी एक डेढ़ घंटे में आप थकोगे अगर आपने लाइफ में सोच लिया कि यार मेरे को सिर्फ इतना ही कमाना है तो अगर इतना ही है तो थोड़ा सा कमाती आप बोल दोगे कि बस बहुत हो गया और इतने की उम्मीद से आप इतना कभी कमाई नहीं पाओगे इतना कभी कमाई नहीं पाओगे तो यूनिवर्स आपको देना चाहता है बहुत कुछ बट आप मांग रहे हो यूनिवर्स से इतना मांगे बिना तो बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती करेक्ट तो यूनिवर्स आपको कैसे दे देगा कुछ तो हमेशा बड़ा सोचो यार दिस इज कहावत है ना कि तुम फेल तब नहीं होते जब तुम बड़ा सोचते हो और अचीव नहीं कर पाते तुम सोचते ही छोटे हो और वो तुम अचीव कर लेते हो hmm. तो वहां पर तुम फेल हो जाते हो जिंदगी में वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं एक बच्चा है सपोज 18 साल का लड़का है कॉलेज जाता है ठीक है कॉलेज में उसके पास अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि वो कुछ नया सीख सकता है कोई स्किल ऐसी डेवलप कर सकता है कि शायद कल की डेड में वो फाउंडर बन जाए ठीक है उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं जिस जिसपे वो पार्टी भी करेगा जिस जिसपे वो थोड़ा बहुत खर्च भी करेगा गर्लफ्रेंड्स भी बनाएगा ठीक है और मतलब जिएगा एक तरीके से उसे सोशली थोड़ा बैकवर्ड भी फील नहीं करना अपने दोस्तों के साथ भी खर्चे करने हैं और उसको जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है पिछले दो तीन साल में यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ यार ये अच्छी फील्ड है और हम पैसा लगा के मल्टी मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पैसे को बहुत अमीर बन सकते हैं क्या करना चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए या फिर उसको सीखने पे और स्किल्स के ऊपर अभी पैसा लगाना चाहिए इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड अगर करनी चाहिए तो फिर म्यूचुअल्स में करनी चाहिए स्टॉक मार्केट्स के अंदर करनी चाहिए हाउ शैल अ पर्सन हु इज जस्ट एज ऑफ एटीन इयर्स शैल स्टार्ट यार सबसे पहले तो आप अपने एज का बैरियर दिमाग से हटाओ यार चाहे आपके जेब में गांधी हो या ना हो अगर दिल में आंधी है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे वाओ है ना तो आप एक तो एज ए, एज हम कई बार सोचते हैं जैसे मैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में काम करना स्टार्ट कर रहा था लोग कहते थे बच्चा है अरे मैं तो बच्चा क्यों है भाई मैं अच्छा एजुकेटेड आदमी हूं अच्छा समझ के आया हूं मैं चीजों को समझ रहा हूँ मैं सेंसिबल हूँ तो बच्चा क्यों क्यों बच्चा तो आप आपने आपको बच्चा, बच्चा सोचना बंद करो अपने आप पे ये क्या हम क्या है ये हमारे पास एक बहुत अच्छी सिंपति देने का कार्ड होता है कि भाई मैं बच्चा हूँ अभी तो मैं बच्चा अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो पापा के हैं पैसे तो मैं पापा को ड्यूटी बनती है ये बट अगर आप यूएस में होते तो पापा की ड्यूटी नहीं थी तो आप अपने आपको सिंपति देना बंद करो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इज अ सुपर थिंग आप ट्रेड कर रहे हो अपने स्किल पे काम कर रहे हो बहुत अच्छा है पर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट से में पैसे कमाना चाहता हूं तो दैट इज नॉट द राइट ट्रैक अभी क्योंकि अभी आप क्या है पैसा लगा पाओगे बहुत कम उसी जगह अगर आपने एजुकेशन पर मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की एजुकेशन अच्छी है खराब है पर जैसी भी है अगर आपने अपने एजुकेशन पर फोकस किया और एक बेस एजुकेशन ले ली तो वहां पर आपकी सक्सेस की प्रायोरिटी और आपका बेस अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है एजुकेशन में सिर्फ आपके बेस अमाउंट के लिए चाहता हूँ अगर आप साल के दस लाख रुपए कमा रहे हो वर्सेस आप साल के पचास लाख रुपए कमा रहे हो अपने पहले साल पे या पांच लाख रुपए कमा रहे हो वर्सेस बीस लाख रुपए कमा रहे हो पांच लाख रुपए कमा के आप सिर्फ इन्वेस्ट भी कर पाओगे तो दो तीन लाख रुपए मैक्सिमम अगर आप बीस लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो दो तीन लाख छोड़ो आप तो दस लाख इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका बेस कैपिटल बढ़ गया तो जिस समय भी आप स्टूडेंट हो आपके पास आपकी सबसे बड़ी करेंसी अपना टाइम आप अपने टाइम को स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो स्किल पे फोकस करो स्किल सीख रहे हो बहुत अच्छा है ट्रेड यह पर अगर सिर्फ ही सोच रहे हो कि नहीं मुझे पैसे कमाने मेरे पांच सौ रुपए जो हजार बन जाए क्या करोगे उस हजार रुपए का पांच पांच सौ रुपए अगर आपने पांच साल के लिए कमा भी लिए पर मंथ कमा लिए क्या फायदा हुआ उस पांच पांच रुपए कमाने है? और कितने ही रुपए हो जाएंगे लाख दो लाख पांच लाख बीस से ज्यादा तो आपका मंथली का पैकेज होगा अगर अभी आपने अपने स्किल पर फोकस किया वेरी ट्रू एंड स्किल इज नॉट समथिंग जो सिर्फ आपको एजुकेशन देगी हम क्या एजुकेशन पे थोप देते हैं सब कुछ वो थोपने की जरूरत नहीं है और एजुकेशन सिस्टम इंडिया का खराब है पर इतना भी नहीं जितना हम समझ रहे आपने हाँ। भी जस्ट बोला मैं बताता हूं हाँ। इतने अच्छे अच्छी वर्ल्ड की कंपनीज चाहे वो गूगल हो एप्पल हो सबके टॉप मैनेजमेंट में कौन बैठा है इंडियंस बैठे हैं इंडियंस बैठे हैं बिल्कुल है। आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि भाई इंडियंस की हायर एजुकेशन बाहर हुई होगी या जो मेजर उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री वो बाहर हुई होगी बेसिक एजुकेशन तो इंडिया से हुई होगी बेसिक बिल्कुल सही बात है कुछ तो इंडिया का रोल होगा बिल्कुल सही बात है तो आप अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे मत डालो करेक्ट है अगर आप नहीं पास हो पा रहे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे या आप अच्छा कर रहे हो दोनों ही केस में रिस्पॉन्सिबल आप हो करेक्ट है तो एजुकेशन अगर आपको कुछ स्किल नहीं सिखा रहा वो सब कुछ नहीं सिखा सकता आप खुद सीख लो फ्री में अवेलेबल है बिजनेस स्किल नहीं सिखा रहा आप कुछ सीख लो मैं अवेलेबल है जो से कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डाली थी उसके अंदर भी यही चीज कि सिस्टम विल नॉट टीच यू वॉट इज एप्ट फॉर द करेंट मार्केट अभी करंट मार्केट में जैसे आपकी बात करते हैं आपने सी ए सी एफ एल एल बी और एक और डिग्री आपने बताया था कौन सी थी वो सी एफ पी सी एफ पी ये इतनी सारी डिग्रीज अचीव करी बहुत सारे लोग हैं और भी जो अचीव करके बैठे होंगे बट जस्ट बिकॉज यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पब्लिक स्पीकिंग आपका कैमरा फियर आपने हटाया पहले तो आपने अपना स्टेज फियर बिल्कुल रिमूव कर दिया आप बहुत फ्लुएंटली बात कर पाते हो कैमरे को आपने सामने लाया तब आज ढाई मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं है ना तो वो एक स्किल है जो हमें स्कूल शायद नहीं सिखाता स्कूल हमें बोलता है कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है तेरे को ये टॉपिक दे दिया तेरे को आके बोलना है अगर तूने अच्छा बोल दिया तेरे दस नंबर अगर तूने बुरा बोल दिया बेटा तेरे नंबर काट लेंगे दे नेवर टॉट मी इन द स्कूल मुझे कभी सीखने को ये चीजें नहीं मिली थोड़ा सा चेंज करूं हाँ आप करो ना पहले आप कंप्लीट करो फिर मैं करता हूँ चेंज थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन अच्छा। है मेरे हिसाब से सा स्कूल सबको नहीं सिखाता पर स्कूल में भी हर क्लास में एक या दो बच्चे होते जो सीखते हैं उसका मैं रीजन समझाता जाता हूँ कैसे पहले आप बताओ आप अपनी बात कंप्लीट करो तो यही मेरी बात यही थी कि जो स्कूल्स होते हैं वो बेसिकली वो चीजें फीड कर रहे हैं अपने आप को मतलब हमारे को जो बहुत सालों से सेम चलता हुआ आ रहा है अभी करेंट मार्केट में आप मेरे को बताओ पब्लिक स्पीकिंग है ग्राफिक डिजाइनिंग है यूट्यूब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है स्कूल भी तो सिखा सकता है ना स्कूल क्यों नहीं सिखाता स्टॉक मार्केट के बारे में स्कूल क्यों नहीं सिखाता कभी भी हमारे को क्यों नहीं बताएगा कि बेटा म्यूचुअल फंड सही है ये स्कूल क्यों नहीं बता रहा है ना अगर एक बच्चे को सिखा दिया जाए कि इंश्योरेंस के बारे में बताया जाए या फिर ये सारी चीज़ें थोड़ा 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 एड ऑन किया जाए बेसिक लेवल पे जैसे ईवीएस पढ़ाया हमारे को जैसे हिंदी पढ़ाई हमारे को जैसे हिस्ट्री पढ़ाया हमारे को अकबर बिरबल ये ठीक हुमायू, है हुमायूं जो ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत लग रहा है। आप फिर ये तीन चार सब्जेक्ट जो अभी लड़ाई सिस्टम से बिकॉज जैसे आपने बताया पढ़ने में बहुत अच्छे थे मैं पढ़ने में मैंने टेनसीजीपी होल्ड किया था ठीक है मैंने उसके बाद 92 परसेंट पीसीएम से लिया था उसके बाद मोतीलाल नेहरू का रेगुलर कॉलेज मोतीलाल नेहरू डी का कॉलेज है उसके अंदर ग्रेजुएशन करी बट मतलब कुछ भी मेरे यूज में नहीं आया तो hmm. इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है बट देन बट देन टेल यू वन मोर थिंग कि एजुकेशन जो है वो इंसान को इस लायक जरूर बना देता है कि वो किसी के सामने भी बात कर पाए अपने आप को प्रेजेंट कर पाए वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है आपको अंदर से कि हाँ भाई ये है बट ऑबली अगर आपका अलग एक्सपीरियंस है तो मैं यार मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एट्थ क्लास में मैं, मैं जब आई वाज वन ऑफ टॉप थ्री टॉप फाइव स्टूडेंट रहता था क्लास में हुँ. पर एट क्लास से हमारे वो रेसिटेशन स्टार्ट होती थी कि आपको हिंदी में पूरी पूरी बुक का एक पेज पढ़ना होता था हुँ. मैं पढ़ने गया था जब मैं रिसाइड करना स्टार्ट किया था मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली मैं एकदम कोल्ड हो गया था मेरे साथ भी हुआ था जब मैं वापस जा रहा था अपनी सीट पे मैडम ने बीच में रोक दिया कि भाई ये क्या हो रहा है इसको मतलब एकदम ऐसे कांप रहा है मैं ठंडा पड़ चुका हूँ और सब डर गए कि इसको हुआ क्या जाते हुए मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अभी भी दोस्त है शिव रतन सिन्हा उसने मेरा हाथ पकड़ा हाथ पकड़ता है तो देखता आनंद तू इतना ठंडा क्यों है भाई मेरे को नहीं पता मैं जाके बैठ गया ये वो समय था उसके बाद बिकॉज मेरे पास धीरे धीरे फिर मैंने खुद काम करना स्टार्ट किया और अपने स्किल को इंप्रूव करने में फोकस किया

पचास लोगों के सामने नहीं बोल पा रहा था तो इतने सारे लोगों के सामने बोलना तो वॉज अ नाइटमेयर बट जब आप लगी। अपने नाइटमेयर को बार बार जीते हो वही तो जीवन है एक और बात बताओ आपको क्या लगता है सक्सेस एक्चुअली वही होती है जब आप डेली जो चीज सबके लिए लग्जरी वो आपके लिए नाइटमेयर बन जाए आपको क्या लगता है शाहरुख खान को आज के दिन फोटो खिंचाना अच्छा लगता है नहीं लगता उसके लिए नाइटमेयर है वो सही बात है शाहरुख खान के लिए शाहरुख खान बनना नाइटमेयर है क्योंकि वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि जो चीज आज हम ड्रीम करते हैं कि काश कोई आके हमारे साथ एक फोटो खिंचा दे वो उसके लिए nightmare बन, nightmare बन चुका है दैट दैट इज इज सक्सेस सक्सेस खड़े रहना दिमाग खराब हाँ। अभी जस्ट हम एक इवेंट में थे एंड हाँ। uh, मोदी सर का वहां पे इनोग्रेशन था उन्होंने स्पीच दी सारा बात हुआ आमिर खान सामने बैठा था एक फोटो नहीं खिंचाई उसने तीन बॉडीगार्ड उसने आगे इसलिए लगा रखे थे कि भाई बस फोटो नहीं खिंचाए कोई अब आके बात कर लो वो कह रहे कि यार जब नॉर्मल भी कॉन्वर्जेशन हो रही हिज पॉइंट ऑफ व्यू वॉज ओनली दिस थिंग कि यार फोटो खिंचा के मैं थक गया लाइफ में यार बस अब ये फोटो नहीं खिंच और हम क्या सोचते हैं हम लोग मरते इस चीज के लिए कि कोई आके एक, एक एक फोटो, फोटो खिंचा ले और बीवी के सामने खिंचा ले तो हमारा उस दिन तो एकदम सीधा <laughs> गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई कोई फोटो खिंचा के गया मेरा सब्सक्राइबर फैमिली थी मेरा दोस्त लोग थे जो मेरे पास आए हैं सो ये वक्त वक्त का बात है तो सक्सेस वही है कि जो तुम्हारी आज के दिन ड्रीम है वो तुम्हारा नाइटवेयर बन जाए दैट इज सक्सेस फॉर यू करेक्ट सर करेक्ट 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 बस मेरा मतलब इस पॉइंट पे यही कहना था कि इंडिविजुअली जैसे आपने बोला कि आपको बहुत अच्छा एटमोस्फेयर बन गया हाँ, बन गया बन गया था इट्स अबाउट 140 फोर्टी करोड़ इंडियन हाँ हाँ अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट्स में थोड़ा चेंज कर दे अगर हम मजबूर कर दे बंदे को कि तुझे साइंस में इतना पढ़ना है 33 परसेंट नंबर चाहिए तो चाहिए उसी तरह से मजबूर कर दे कि भाई तेरे को बोलना है तो बोलना है जैसे आपने बोला ना कि बार 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 नाइट को फेस करोगे तो अपने आप वो चीजें हो जाएंगी। हाँ हा, 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 अब हा, एक जानवर है जिस जानवर ने पहली बार देखा अगर एक ट्रेन जा रहा है बहुत बड़ा हुँ। पहली बार देखेगा पागल हो जाएगा ऐसे ही नहीं आएगा बट जिस जानवर के घर के सामने ही वो ट्रेन की पटरी लगी हुई है वो रोज देख रहा है अरे तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए तो डेली करवाओ ना मेरा पॉइंट बस इतना है सो so, मैं वही कह रहा हूं कि मेरे लिए जो पहले नाइटमेयर था बाद में मेरे लिए वो प्लेयर बन गया कि मैं वीडियो बना रहा हूं अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब मुझे वीडियो बनाना शूट करना ये मेरे लिए नाइटमेयर बनेगा तब मैं कहूंगा कि हाँ भाई अनंत तुमने कुछ कर लिया लाइफ में अभी तो अभी तो आई एम स्टिल लविंग कि हम बात कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं शूट कर रहे हैं ये बहुत पसंद आ रहा है लोग मिलते हैं बहुत पसंद आ रहा है मैं वेट कर रहा हूँ समय का कि क्या मेरे साथ भी वैसा कभी होता है क्या लेट सी होगा होगा हंड्रेड पर फिंगर्स क्रॉस लेट सी अच्छा एक नया इंसान अब इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी शुरू करना चाहता है व लीस्ट नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट कुछ नहीं पता कैसे स्टार्ट करें जैसे मुझे लगता है पॉडकास्ट को भी बहुत सारे लोग ऐसे सुनने वाले हैं जो जिनको नहीं पता स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट मतलब उनको भी नाइट लगता है एक तरीके से कि भाई कभी नुकसान हो गया तो एक्सपीरियंसिस बहुत बुरे नाइनटीन टू स्कैम देखा हुआ है कैसे शुरू करें यार एम बी करते हो कितनी फीस लगती है अलग अलग कॉलेज अलग अलग फीस दो पांच लाख से तो स्टार्ट हाँ, होता है। दो पांच लाख इंटीरियर करते हो तो द, दो पांच लाख से लेके बीस पच्चीस लाख तक भी चल रहा है आप समझो कि आपने स्टॉक मार्केट की क्लास ज्वाइन करी है ठीक है क्लास के जाने से पहले आपको बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए बेसिक बेसिक नॉलेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी क्या क्या चाहिए उसके अंदर बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या होता है कैसे ट्रेड होती है कोई एक या दो स्ट्रेटेजी आपको चाहिए थोड़ा बेसिक सेटअप चाहिए अगर आप ट्रेड ही करना चाह रहे हो तो अगर आप सोच रहे मेरे को म्यूचुअल फंड में करना है फिर तो वो कुछ भी नीचे आप पैसा कमा के निकलोगे बस आपको डर के भागना नहीं है आपकी फ्लाइट डेली से जा रही है लंडन अगर आप लंडन के बीच में कूद गए तो आप तो, तो पैराशूट लेके कूदोगे बीच में और आपका एक्सपीरियंस खराब रहेगा आपको कूदना नहीं है बस उस फ्लाइट की जर्नी को पूरा करना है वो फ्लाइट की जर्नी में दस साल लगेंगे तो दस साल पूरे करने हैं म्यूचुअल फंड में तो आप कैसे कमा लोगे म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर्स के लिए चाहे वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली कर रहे नहीं कर रहे हर कोई पैसा कमा के जाएगा ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग में बहुत सिंपल सा है बेसिक बेसिक नॉलेज लो क्या होता है स्टॉक मार्केट एक या दो स्ट्राटेजी जो आपको पसंद है पांच से सात स्ट्रेटेजी सुनो अलग अलग लोगों की जो आपको एक से दो पसंद आए उसको रखो उस पर काम करो अब स्ट्रेटी में भी क्या होता है हम सोचते हैं हमने तीन बार काम किया हमारा नहीं आया तो हमने छोड़ दिया स्ट्रेटेजी को एक स्ट्रेटेजी को मिनिमम आप तीन से चार महीने दो तीन से चार महीने भी डेली लगातार जब, जब मार्केट खुल रहा है वो आपकी गुरु दे रहे हो आप मार्केट को अपने छोटे से पांच दस हजार बीस हजार के कैपिटल के साथ और गुरु दक्षिणा देते रहो और उस स्ट्रैटेजी पे फोकस करने की कोशिश करो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो बेसिक स्ट्रेटी पे काम करना स्टार्ट करो और कभी भी स्टॉक मार्केट को डमी ट्रेडिंग से करके आप नहीं सीख सकते क्योंकि डमी ट्रेडिंग में जो आपके इमोशन है वो नहीं आएंगे करेक्ट तो सीधा पैसा लो खुद का पैसा लो पांच हजार दस हज़ार बीस हजार पच्चीस हजार जो आपको लगता है सुटेबल और अपने स्किल पे फोकस करो स्टॉक मार्केट का स्किल आपने सीख लिया तो यहां पे तो पैसों की गंगा बैठ रही है जितनी इच्छा करे आप पैसा वहां से निकाल सकते हो पर ये तो इतनी प्यारी गंगा बह रही है कि आज के दिन आप इंडिया के रिचेस आदमी ले लो वर्ल्ड का रिचेस आदमी ले लो इंडिया की रिचेस्ट वेमन ले लो वर्ल्ड की रिचेस्ट वेमन ले लो इंडिया का रिचेस्ट एनआरआई जो इंडिया से बाहर है इन सबके नाम भाई देवी आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो बहुत इजी ईजीजी नाम है ऐसे कोई बड़े नहीं है नाम इंडिया का रिचेस्ट एनआरआई वुमेन किसी का भी नाम ले लेना ये सारे के सारे या तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है हाँ। या तो उनकी कंपनी है या वो ट्रेड करते हैं वर्ल्ड के टॉप टेन रिचर्स आदमी को देख लो नाइनटी परसेंट होंगे जो आज के दिन स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है एक या दो होंगे जो नहीं होंगे तो सब लोग पैसा कमाई रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पैसों का एंड रिजल्ट अगर आप कमाना चाहते हो बड़ा तो वो तो यही है स्टॉक मार्केट सच सच बात बात मुकेश अंबानी हो गया अडानी हो गया दोनों स्टॉक मार्केट की वजह से है चाहे उन्होंने खुद की लिस्टिंग कर दी तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए आप भी सोचो यार वाई नॉट यार तो इतना कुछ आपने अचीव कर लिया ऑलरेडी अभी आपके फर्दर गोल्स क्या हैं क्या करने वाले हो अभी यार पता है अभी अचीव नहीं किया यार अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और पता है लाइफ में सब लोग अपनी अपनी जर्नी में अलग अलग स्टेज पे है करेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं हो सकता हूँ आपसे तीन किलोमीटर आगे हूँ आप मुझसे उसमें से ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरे से भी दो किलोमीटर आगे हो कौन कहाँ पे है अपनी जर्नी पे उसको अपनी जर्नी पे रहने दो आप अपनी जी, जर्नी जियो और इसमें ना जाकिर भाई की एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि कुछ लोगों को कामयाबी में सुकून मिला कुछ लोगों को सुकून में कामयाबी मिली वाह तो आप देखोगे कि आपको किस चीज़ में क्या चीज़ मिलती है अगर आपको पैसों में सुकून मिलता है कामयाबी लगती है तो आप उसके पीछे भागो कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे भी काफी कजन्स भी है जो लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है आपको और आप खुश हो लाइफ में तो वो भी आपके लिए सक्सेस है तो आपके लिए अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है Hmm. आपको सिर्फ पैसों के पीछे भागना है ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है लवली लवली अमेजिंग नाउ लेट्स मैं आप कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स पूछूंगा उस वर्ड से जो भी पहली चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक होती है आपको तुरंत वो चीज बोलनी है रैपिड फायर मतलब हाँ 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 जरा भी ठीक है YouTube मजेदार अनंत लड्डा ब्रांड

फैंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करना है टू ट्वेंटी फाइव लैक पीपल हार्ड कोर सब्सक्राइबर भी इसकी बात नहीं कर रहा जिनकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ मी लव स्किल डेवलप इंडिया लव फोकस कर लो कहीं पे भी चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी ड्रीम हो चाहे आपका करियर हो करो क्या मनी हाँ जरूरी है

शायद उसके बाद आपकी बहुत मैंने याद नहीं करी तुम लेट कर रहे हो शादी बताऊ करना बताऊँ जरूरी क्यों होता है मैं आपको रीजन बताता हूँ जब तक आपकी शादी नहीं होती चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे कुछ भी नहीं हो मतलब या तो आप एकदम सिंगल हो आप वो बोलते हैं हक से सिंगल दूसरे आपकी गर्लफ्रेंड है दोनों ही सिनेरियो में आप ठहराव नहीं मिलता लाइफ में आपको अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो वहां पे आपको वो एक अलग तरीके का किक मिलती है अलग तरीके का एडिलन रश होता है और आप लाइफ में फोकस नहीं हो पाते अपने करियर की तरफ काफी लोगों के साथ मैं कहता हूँ नाइन परसेंट लोग इसकी वजह से अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास एक स्टेबल पार्टनर नहीं है क्योंकि hmm. गर्लफ्रेंड में भी लगातार तो रहता है ना कि यार कभी किसी और ने बात कर ली उससे उसने किसी और से सब घूमने चले गया दुनिया के दस लफड़े होते हैं जो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो सकते हैं जैसे आपकी शादी होती है मैंने आपको मैं आपको भी ये बात कहता हूँ कि जैसी आपकी शादी होगी ना वो साल आपकी लाइफ का वन ऑफ दी बेस्ट साल होगा फाइनेंशियली एंड करियर वाइज क्योंकि आप लाइफ में फोकस हो जाओगे आपके पास एक पर्सन होगा जो आपके फुल सपोर्ट में है जिसको रात में जाके अगर आप दिक्कत भी है उसके पास जाके बैठते हो आपकी सारी दिक्कतें खत्म होती है आपको कामनेस मिलती है लाइफ में और आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस हो जाते हो अपनी करियर अपने गोल की तरफ क्योंकि आपका पार्टनर वाला काम शॉर्ट हो जाता है कि यार ये मेरी पार्टनर है फाइनल हो गया और पब्लिक को भी पता चल गया आप तो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद द रिच पॉडकास्ट बहुत जल्दी मिलते हैं अगर आपके कुछ सवाल होते हैं इन इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या कुछ भी फाइनेंशियली जैसे आपने बोला फाइनेंशियल लिटरेसी आप स्प्रेड करना चाहते हो तो उससे भी रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई भी questions होते हैं यू कैन इट ऑन द कमेंट सेक्शन अगली बार इसी पॉडकास्ट के अंदर मैं इनको जरूर इन्वाइट करूंगा आपको आना पड़ेगा ठीक है हंड्रेड परसेंट ग्रो और मिलते हैं ओनली ऑन द रिच थैंक यू थैंक यू यार थैंक यू